हिमाचल में जारी सियासी उथल पुथल का पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। पाटियाला कमान की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में भेजे गए कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत दुखद है कि हमने हिमाचल की राज्यसभा सीट खो दी है। पूरी देश ने हिमाचल के राज्यसभा का चुनाव देखा। उन्होंने कहा कि हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है जो सरकार और पार्टी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड हैं, हमारे पास पूरे नंबर हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी का बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सिक्खू ही हिमाचल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्या सीएम सुक्खू 5 साल तक सीएम रहेंगे? सवाल के जवाब में कांग्रेस पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार है और सुक्खू सीएम है। सभी विधायक 5 साल तक कांग्रेस सरकार चाहते हैं, यहाँ कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे सीएम ने स्वीकार किया कि कुछ विफलता हुई है, लेकिन ये आगे जारी नहीं रहेगा। हमने सभी विधायकों से व्यक्तिगत रूप से बात की है, हमने पीसीसी अध्यक्ष सीएम से बात की है। एक दौर की चर्चा बाद में होगी, सभी ने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं, अब सब मिलकर काम करेंगे। हम पार्टी और सरकार के बीच 5 से 6 सदस्यों के साथ एक समन्वय समिति बना रहे हैं, वो पार्टी को बचाने और सरकार को बचाने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी किस बहुमत की बात कर रही है, षड्यंत्र के तहत मेरे इस्तीफे की झूठी खबर फैलाई गई। बागी विधायक हिमाचल की जनता का सामना नहीं कर पाएंगे, हमारी सरकार 5 साल चलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है, सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, जनता जवाब देगी। बागियों की गलती माफ की जा सकती है, वो कांग्रेस में आना चाहे तो स्वागत है, मेरी कमी रही कि मैं शराफत में रह गया। देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहां से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, यहां हमने यहां पर इस बात का लिए फैसला किया। मुख्य तौर पे यही बातें। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन होगा? कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 अन्य और मेंबर होंगे। आला कमान से वो दिल्ली से अनाउंस कर देंगे। दे विल ओनली गिव द पीसीसी प्रेसिडेंट एंड विल गिव द नेम्स। ये दे विल गिव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड। वो देंगे कोई दे विल गिव द नेम्स। दे ऑलरेडी गिवन द नेम्स बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हियर। वी विल अनाउंस फ्रॉम द दिल्ली। इनका काम क्या क्या रहेगा सर? जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसा है, इनका काम रहेगा आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना। और ये भी फैसला हुआ है कि भाई कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में, अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू, यू विल नॉट गेट एनी न्यूज।